हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम जैसे सिंपल एलजेब्रा जो हम लोग यूज करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उस तरीके से हम वेक्टर्स को नहीं ऐड कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने का कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं, आज हम उन्हीं तरीकों को स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखो, हम लोग तीन मेथड्स से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पहले उन तीनों को देख लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक करके हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो जिनका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसके साथ साथ वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करती हैं। वेक्टर एलजेब्रा का मतलब हो गया सिंपल एलजेब्रा नहीं, वेक्टर एलजेब्रा मतलब यही, इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग वो ऐड होती हूँ। ठीक, तो पहला मेथड हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा है पॉलीगॉन। देखिए, वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके हैं मेनली। अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको भूल गया, स्किप कर दिया। दो तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। एक है आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारा है एनालिटिकल मेथड। तो ये जो तीन मेथड्स दो यहां पे बोर्ड पे लिखे गए हैं, ये आपके हैं ग्राफिकल मेथड के अंतर्गत। ये जो है, ये जो तीनों हैं, ये ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग है। मतलब हम वेक्टर्स को ग्राफ के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर एनालिटिकल मेथड में हम लोग फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे कि कैसे, अगर दो वेक्टर्स हमें पता हो तो उसको हम कैसे सिंपली फॉर्मूला लगा के ऐड कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये याद रखिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो आपका ग्राफिकल मेथड है और दूसरा एनालिटिकल मेथड है। ठीक, अब इस ग्राफिकल मेथड के अंदर ये तीन तरीके हैं। एक तो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक भाई, ये चीज तो समझ में आ गई। अब एक एक करके हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका एनालिटिकल मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सीक्वेंस हमारा यही होगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो गया बच्चों? चल,
अब देखो, अब हम पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे और इसमें हमारा जो पहला मेथड आएगा वो आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। देखो, जैसे मान लो आप मार्केट गए और मार्केट में आप गए सब्जी वाले की दुकान पे और बोला, भैया मुझे 2 केजी आलू दे दो, तीन केजी टमाटर दे दो, 1 केजी और भी कटहल दे दो, कोई भी सब्जी ले लो, ठीक ये दे दो हमको। तो अब आपके जो बैग लिया आपने उसमें कितना सामान आया ये कैसे बताओगे? तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, 2, 3, 4 4 केजी सब्जी आई, ये भी सब्जियां हैं सब, 4 किलो सब्जी आप लेके आ रहे हो। लेकिन ये हमारा क्या है, ये सिंपल एडिशन, सिंपल एलजेब्रा है। अब जो वेक्टर होता है उसमें हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। कहोगे सर थोड़ा समझाइए हमको। देखो इधर मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया है, ये 3 मीटर ड्यू ईस्ट वेक्टर होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। देखो ये मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन होगा, ठीक। एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब ये बोलता है हमसे कि भैया इन दोनों को ऐड करके बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो। तो आप क्या करोगे, सर 3 मीटर 4 मीटर 7 मीटर, तो कहोगे ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ऐसा नहीं होता है। या 3 + 4 = 7 7 मीटर ड्यू नॉर्थ, या कोई बोलेगा 7 मीटर ड्यू ईस्ट, ऐसे नहीं होता वेक्टर एडिशन। अब इसको ऐड करने के लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं, उन्हीं तरीकों से ही हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐड कर सकते। ये इधर तो इसका रिजल्टेंट इधर, नहीं रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड सिंपली आप ऐड नहीं कर सकते कि 3 और 4 देखा भैया 3 और 4 = 7 हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया सर, और डायरेक्शन ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है इनको जोड़ने के लिए हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ऐड भी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड 7 मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? अब डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसीलिए अब मेथड्स आए कि भैया इनको ऐड करें तो करें कैसे। जैसे जो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये दो जो मेथड्स हैं ये केवल 2 वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, ये 2 मेथड्स हैं ये 2 वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। पॉलीगन क्या है, 2 से ज्यादा वेक्टर्स का सम निकाल सकता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे 2 वेक्टर्स ये दिए गए हैं और इनको ऐड करना है, तो अब हमें या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। तो अब हम पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलो
देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो बच्चों, अब देखो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बात करते हैं और इस मेथड को कैसे यूज किया था इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले मान लिया हमारे पास एक वेक्टर दिया है, ये हमारा है वेक्टर ए, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास दिया है वेक्टर बी। ये क्या है, ये इस एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है, अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना होता है, सबसे पहले हम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे इसका मतलब है इस वेक्टर को पैरेलली लेके आएंगे, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, मतलब शिफ्ट करके पहले लाना पड़ेगा। अब अगर दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो अब पढ़ो डेफिनेशन, एक एक लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर जो दो वेक्टर्स हैं, अगर ये एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये यहां है ये यहां है, अगर इसको ट्रायंगल का शेप देना है तो इसको या तो यहां शिफ्ट कर दें या तो यहां इसको यहां शिफ्ट कर दें, ठीक, या तो इसको यहां शिफ्ट कर दें, तब तो ये दो साइड्स बनेंगे, ठीक है। अब शिफ्टिंग कहां करेंगे पहले उसको देखें। तो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, टेकन इन सेम ऑर्डर। अब देखो इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब है दोनों वेक्टर जो है एक ऑर्डर में हो। एक ऑर्डर का मतलब हो गया, अगर ये ए ऐसे गया है, बी ऐसे गया है, तो ये ऐसे ही जाना चाहिए, आगे की तरफ ही जाना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए, सेम ऑर्डर में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ए वेक्टर इधर जा रहा है तो वेक्टर बी, अब वेक्टर बी अगर यहां जोड़ दोगे तो ये तो पीछे आएगा, उसी ऑर्डर, मतलब ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे जाना चाहिए, तो इस वेक्टर बी को आप शिफ्ट करो पैरेलली और लाके यहां रख दो, ठीक। चलो भाई करते हैं, ये हमारा था वेक्टर ए, ठीक, हम इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किए और ले आए यहां पे, ठीक। ए और बी के बीच में अभी भी थीटा एंगल ही है, कैसे थीटा एंगल है, इसको अगर उठा के यहां रख दो तो ये एंगल थीटा ही बनेगा ना, ठीक। अब देखो यहां पे इतने का मतलब समझ में आ गया कि अगर दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, देखो अब ये दो वेक्टर्स जो हैं ये एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे मिला दियो तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो ट्रायंगल की दो साइड्स तो मिल गई हमारे पास, ठीक। देन अब अगले लाइन का मतलब समझो, देन द रिजल्टेंट, अब जो रिजल्टेंट होगा, जो इन दोनों का एडिशन होगा, इज गिवन बाय द थर्ड साइड, तीसरी साइड ही उसका एडिशन होगी ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हम तीसरी साइड बना देते हैं, ये हमारी तीसरी साइड बन गई, लेकिन ये भी तो होगी वेक्टर, तो अब इसका एरो किधर बनाओगे। तो अब अगला चीज समझो, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो लेंथ होगी, जो मेजरमेंट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब देखो ये चीज समझ में आई है, ये ऐसे गया, बी ऐसे गया, तो अब
ये ऐसे होना चाहिए था, और अगर एक ऑर्डर में चलते तो ऐसे चलते, लेकिन अब क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। अब अपोजिट ऑर्डर का मतलब है कि ये एक एरो, दो एरो, अब तीसरा एरो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसे का एरो इधर क्यों ना होगा के इधर को होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आर, और इस आर को हम क्या बोलेंगे, ये आर भी एक वेक्टर होगा, और ये आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी। यही हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यही हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चीज समझ में आ रही है कि अगर, देखो फिर से समझो, अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो लेकिन टेकन इन सेम ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ऑर्डर अपोजिट नहीं होना चाहिए। अगर एक वेक्टर ये गया तो दूसरा वेक्टर इसी के आगे होना चाहिए, या ऐसे समझो कि पहले के हेड को दूसरे के टेल से मिलाना है, पहले के हेड को दूसरे के टेल से मिलाना है। तो ये दो वेक्टर्स हो गए, एक ऑर्डर में हो गए, एक ट्रायंगल की दो साइड हो गए, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो उसका लेंथ हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होगा इज इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब हो गया ये ऐसे न हो के इसकी अपोजिट होगी, ठीक। अब इस रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड तो आप यहां से निकाल लोगे कि ये भैया ए 2 मीटर था, बी 3 मीटर था, तो आर तो हो गया 5 मीटर, इतना तो समझ में आया। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन इस ए एंगल से जो एंगल बनाएगा, इस वेक्टर ए से हमेशा रिजल्टेंट जो पहला वेक्टर होगा उससे कुछ एंगल पे होगा, याद रखिएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो ए वाले वेक्टर से कुछ एंगल पे होगा। तो ये जो एंगल अल्फा होगा दैट बी इट्स डायरेक्शन, वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर आर का, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड का जो लेंथ होगा वही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आर का क्या होगा, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई, ध्यान समझ लीजिएगा, इसका यूज हर जगह होगा, हर जगह किया जाएगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो बच्चों, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं आराम से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए गर्ल मूव्स 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, एक लड़की है 3 मीटर ईस्ट चलती है। अब सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये देखिए ईस्ट वे तो है, होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम है,
अब पढ़िए क्वेश्चन को, अब जो भी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक लड़की है 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलती है। मान लो लड़की यहां थी, यहां से 3 मीटर ईस्ट मतलब इधर चलेगी, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर ईस्ट गई, देन सी टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। अब वो क्या करती है, ऐसे जा रही थी, जा रही थी, इसका लेफ्ट किधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसने 90 डिग्री पे लेफ्ट टर्न मारा और चली गई 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखो ये यहां से टर्न की और 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गई। अब कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। जब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालने के लिए बोला तो आप देखो ये दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, हाँ कर रहे हैं। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, हाँ सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा उस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर सेम ऑर्डर में होता तो ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे आ जाता, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में होगा, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट होगा ये। ये तो बात समझ में आ गई। आर ठीक है, अब ये आर आएगा कितना, तो अब देखो यहां पे ये क्या दिया है, ये दिया है 90 डिग्री, दिया है कि नहीं दिया है। इसका मतलब ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। अगर इस आर का लेंथ हमें मिल जाए, इस आर का हमें लेंथ मिल जाए तो हम रिजल्टेंट तो बता सकते हैं। तो अब देखो आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये क्या होता था, 90 डिग्री था, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, दैट मीन्स ये आ गया 5। तो यहां से ये रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चा, 5 मीटर आ गया। अब ये रिजल्टेंट तो आ गया हमारा 5 मीटर। चलो भैया रिजल्टेंट तो आ गया हमारा 5 मीटर, लेकिन आंसर देखो जो ऑप्शंस दिए हैं आपको क्या क्या दिए हैं, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, चारों में 5 मीटर दिया है। इसका मतलब केवल इससे हम आंसर नहीं दे सकते। अब ये 37 डिग्री क्या दिया है, तो देखो अब एक चीज आज से याद रखिएगा, अगर ये लेंथ 3 मीटर हो या 4 मीटर हो, ये एंगल 90 डिग्री हो, तो याद रखिएगा ये एंगल होता है 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री हो गया तो ये क्या आएगा, 37 डिग्री। ये आज से याद रखिएगा, अगर ये 3 और 4 है तो ही होगा, अगर ये 3 या 4 है तो ये 53 कम वाला जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा एंगल पे होगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड कम एंगल पे होगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये 53 डिग्री पे होगा, ये 37 डिग्री पे होगा। अब हमने आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना बताया था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन था अल्फा डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ए यहां पे क्या है, ये है 3 मीटर। तो अब बताओ, अब हमें रिजल्टेंट बताना है, तो आपको डायरेक्शन निकालना मैंने बताया था कि अगर ये एक वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए मान लिया, ये वेक्टर बी मान लिया, और ये आपका पास एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो ये जिस डायरेक्शन में है, तो अब ये इधर जा रहा है ना,
तो यहां पे क्या होगा कि 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझते हो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखो ईस्ट मतलब पूरब से नॉर्थ उत्तर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब पूरब से उत्तर की तरफ, तो क्या ये पूरब से उत्तर की तरफ 53 डिग्री है? सही तो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्शन कितना बना रहा है, ईस्ट से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से ये एक नया चीज है, इसको याद रखिएगा कि अगर ये लेंथ 3 मीटर या 4 मीटर है तो ये 53 डिग्री 37 डिग्री होगा, अगर ये 90 है तो ठीक, ये हमारा आंसर आया। एक चीज और यहीं पे देख लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये ए है, ठीक, दूसरा वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ये इधर से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करना होगा, वैसा नहीं है कि इसको ले आके यहां जोड़ दिया, नहीं, ये इधर तो इसी के आगे ये जुड़ेगा, तो इसका मतलब अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो पहले आप वेक्टर ए बनाओगे, फिर इस वेक्टर बी को पैरेलली ले आके शिफ्ट कर दोगे, ठीक, तो अब देखो सेम ऑर्डर में हो गए ना, वेक्टर ए वेक्टर बी सेम ऑर्डर में हो गए, तो अगर सेम ऑर्डर होता तो तीसरा वेक्टर ये होता, लेकिन हमारा रिजल्टेंट क्या बोलता है कि ये अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा और इस ए एंगल से अल्फा डिग्री एंगल पे होगा। तो ये याद रखिएगा कि आप वेक्टर्स को ऐसे ले चलो, वेक्टर्स को ऐसे ले चलो तो आपका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, अगर वेक्टर्स को ऐसे ले जा रहे हो तो रिजल्टेंट अपोजिट आएगा, याद रखिएगा, वेक्टर्स को पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ना है आपको, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ना है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ना है, ध्यान से समझिएगा, हेड पहले का हेड प्लस टेल, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट ये हमारा पहला वेक्टर था, ये हमारा दूसरा वेक्टर था, ठीक, जब रिजल्टेंट की बारी आएगी, अगर रिजल्टेंट की बारी अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट में क्या होगा, पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, अगर दो वेक्टर्स हैं तो पहले वेक्टर्स का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दो, अब रिजल्टेंट निकालना हो तो पहले वेक्टर का टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ दो, वो रिजल्टेंट हो जाएगा, बस इतनी सी बात समझ लो, काम खत्म, कितनी सी बात, पहले का हेड दूसरे का टेल, ये दो वेक्टर्स जुड़ गए, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले के टेल को दूसरे के हेड से जोड़ दो, बात खत्म, हो गया हमारा काम। तो ये हमारा था बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अच्छे से हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, एक बार फिर से दो बार तीन बार चार बार जब तक आपको समझ में आ जाए तब तक वीडियो को देखो, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चंस को लगाओगे तो आराम से होगा, और एनसीईआरटी को जरूर पढ़ाई करो, जरूर पढ़ो,
रीडिंग लगाओ दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जब तक चीजें समझ में ना आ जाए। एनसीईआरटी से दूर मत भागना, कोई साइड बुक मत खरीदना, चलेगा। एनसीईआरटी को लगाओ, अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ में आता फिर भी पढ़ो, रीडिंग लगाओ, नहीं आता है तो, लेकिन करना है, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लीजिए, अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो दूसरा मेथड जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेट एडिशन उसको देखेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू।